हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैफिल हाल या मामू, क्या हाल है? क्या आप पाकिस्तान आ रहे हैं? हमेशा के लिए आ रहे हैं मामू। एक तो मजाक बड़ा करते हैं ना, सीरियस होके बताएं, हमेशा के लिए आ रहे हैं या थोड़े दिनों के लिए मिलने आ रहे हैं? मामू हमेशा के लिए आ रहे हैं, अपनी क्यों जिंदगी भर की कमाई टैक्सिस्तान में लुटाने आ रहे हैं? मामू कुछ तो अकल से काम ले। ला मकामा लकुम बिहा, ये मुल्क अब रहने के काबिल नहीं रहा। मामू मामा तो जज्बाती होती रहती है, हर वक्त कहती है हाय मेरा भाई परदेश में रहता है, क्या हाल होगा उसका, क्या कर रहा होगा। मामू मगर आप तो अकल से काम ले, मम्मा तो जज्बाती है, आप तो अकलमंद है। नानी नाना की कब्रें कहाँ भाग रही है मामू? अभी मुर्दों पे टैक्स भी लगा, अगर मुर्दों पे टैक्स लग गया था ना तो सारे के सारे कब्रिस्तान खाली हो चुके होते। मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी जिंदगी भर की कमाई इस टैक्स स्थान में कैसे लुटा सकते हैं। मेरी बात सुने, मामी बीमार होंगी तो उनकी दवाइयों पे टैक्स, आप ही की शादी करवाएंगे तो निकाह पे टैक्स, बाहर गाड़ी में घूमने जाएंगे तो टूल टैक्स देना पड़ेगा, बाहर जो होगा होटल में खाना खाएंगे तो जीएसटी भरना पड़ेगा, बत्ती आएगी नहीं बिल देना पड़ेगा, पानी आएगा नहीं बिल देना पड़ेगा, गैस तो आएगी नहीं बिल देना पड़ेगा। मामू गाड़ी लोगे तब टैक्स देना पड़ेगा, गाड़ी बेचोगे तब टैक्स देना पड़ेगा। मामू यहाँ तक के तो ये हद आ गई है कि अब पहले मुझे 3 टाइम चिप्स खाने को मिलते थे दिन में, वही आलू वाले चिप्स, और अब मम्मा दिन में 1 टाइम देती हैं और वो भी कहके कि बच्चों जाया मत करना, कहती है आलू भी महंगे घी भी महंगा। मामू जिस मुल्क में बच्चे चिप्स खाने को तरस जाए उस मुल्क में आके आप क्या करेंगे? और तो और मामू टमाटरों की तो आप तस्वीर भी देखने को तरस जाएंगे। फातिमा क्या मेरे भाई के कान भर रही हो, क्या फोन पे बातें कर रही हो, मुझे दो। मामू आप आ जाए ठीक है, फिर आपसे पाकिस्तान आके बात होती है। चली गई? हाँ हाँ चली गई। मामू मैं तो मम्मा को यूं दिल रखने के लिए बोल रही थी, आप अक्ल से काम ले थोड़ा सा ठीक है, पर अगर आपको इतनी ही हमारी याद आ रही है, मम्मा की याद आ रही है, तो आप हमें अपने पास बुला सकते हैं। हाँ उसका तो मसला नहीं है, नहीं नहीं अपने पास बुला सकते हैं, आप मम्मा से मिल लेंगे थोड़ा सा, मम्मा भी खुश हो जाएंगे और हम लोग घूम लेंगे, जरा बुर्ज खलीफा चलीफा देख लेंगे। अच्छा मगर मामू टिकट तो बिजनेस क्लास की होगी। हाँ हाँ उसकी टेंशन ना ले, वो तो सामान अभी पैक हो जाएगा, बस मैं सामान पैक करवा के आपकी मम्मा से बात करवा रही हूँ। ओके मामी को मेरा जरूर सलाम देना और बुर्ज खलीफा का तो जरूर ही देना। ओके अल्लाह हाफिज। यस इस बात को कुछ नहीं दिखाता, क्या बात हुई है, क्या बात की है मेरे भाई से? मम्मा वो मामू इतना सजेस्ट कर रहे थे, इतना जोर दे रहे थे कि मैं तो नहीं आ सकता, मुझे एक परेशानी हो गई है, एक मसला हो गया है, तो तुम लोग आ जाओ। मसला हो गया या मसला तुमने पैदा कर दिया है? वो हमेशा के लिए आ रहा था मेरा परदेसी भाई वापस अपने मुल्क, क्या तुमने बहुतें भरी है सियासी ने? मम्मा वैसे एक आपस की बात है, जरा बताना आप उनकी सगी बहनी है ना? क्या मतलब, सगा भाई है मेरा, सगा खूनी माँ जाया। मामा जो आप उनको इस टैक्सिस्तान में बुला रही थी ये संगों वाले काम तो नहीं है वैसे। फातिमा अल्लाह तुम्हें पूछे, इतने अरसे बाद उसने वापस आने का नाम लिया था और अपने जाने की स्टोरी डाल दी, उसे आने से मना कर दिया, ये तुमने अच्छा नहीं किया फातिमा। और ये अगर तुम्हें पाकिस्तान से इतनी चिड़ है ना तो अब मैं दुबई जाऊंगी, तुम्हें वहीं छोड़ाऊंगी। नहीं मामा पाकिस्तान का और इमरान खान का साथ फातिमा कभी भी नहीं छोड़ेगी। बुराइयां तो इतनी कह रही थी तुम। मम्मा बुराइयां अपनी साइड पे,
मगर मामा जान अल्लाह को देनी है और खाल इमरान खान को देनी है। सुना था खाल शौकत खानम को देनी है, तुम तो खाल इमरान खान को देने बैठ गए। अच्छा मामा जल्दी करें पैकिंग करें पैकिंग करें अगले महीने जाना। अच्छा खासा मेरा भाई आ रहा था।